हेलो एंड वेलकम टू इलेना टेक। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कि हमने जो कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको देनी है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो हमने की थी पेंट के ऊपर, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेंट है उसमें आप एक तो पेंटिंग तो आप सीखोगे, उसमें जो आपके जो टूल्स हैं वो आपको मैंने सारे क्लियर करवाए थे, बट उसके अलावा उसमें जो आप मेन चीज़ सीखते हो वो है आपका माउस के ऊपर, आपकी जो पॉइंटिंग के ऊपर जो आपका कैप्चर करना, मतलब कि आपने माउस को चलाना सीखना होता था वो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप क्या कर सकते हो, माउस को कैप्चर करना सीख सकते हो। तो इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे टाइपिंग। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आज हमारा डे फोर्थ है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग। बट टाइपिंग के कुछ आपके रूल्स हैं, जैसे कि मैंने अपनी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड्स के ऊपर हमारे कौन कौन से आपकी कीज़ होती हैं, उसको आप कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नीचे एक कीबोर्ड है, ये पूरा का पूरा कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड पर आपने जो टाइपिंग करनी है उस टाइपिंग के भी कुछ क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशंस को ही आपने फॉलो करके हमने क्या करनी है, टाइपिंग को सीखना है। तो ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पर्पज़ के लिए है। तो इस वीडियो के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टाइपिंग्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशन ही बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले टाइपिंग जो आपने करनी होती है उसके लिए आप क्या कीजिए, आप गूगल पर जाइए एंड देन गूगल पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा रैपिड टाइपिंग का। तो रैपिड टाइपिंग का सॉफ्टवेयर जब आप यहाँ पर टाइप करोगे रैपिड टाइपिंग, तो आपको यहाँ पर पहले नंबर पर ही मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड रैपिड टाइपिंग। तो यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी सिस्टम है, सिस्टम आपका 64 है या आपका सिस्टम 32 है, अब इसको कैसे चेक करना आपने, ये आपका 64 बिट का है या 32 बिट का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेस्कटॉप पर जाइए, यहाँ पर होता है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगी प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसकी विशेषताएं, तो उसकी विशेषताएं बताएगा। तो माई कंप्यूटर के ऊपर जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपकी डिवाइस का नाम क्या है, आपके सिस्टम में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ, जैसे कि AMD Ryzen 5 4600H, ठीक है, रेडियन ग्राफिक्स आपका लगा हुआ है 3.0 GHz का। इसमें जो रैम है वो 24 GB की है, जो इसकी जो आईडी है प्रोडक्ट आईडी आ गई, आगे आगे सिस्टम की टाइप आ गई। देखिए सिस्टम की टाइप में क्या लिखा हुआ है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें विंडो कौन सी है, विंडो आपकी 11 है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सारी के सारी सिस्टम के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सारे यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पर हम उसे ओपन करते हैं। तो जो भी आपका सिस्टम होगा, अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है तो आप ये वाला डाउनलोड करोगे, अगर आपका 64 बिट का है तो आप ये वाला डाउनलोड करोगे। तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद कुछ आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर आपके पास कुछ इस तरह से हमारे सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर बिगनर में, इस साइड में बिगनर में जाना है आपने। बिगनर में आपने एक इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो, बट हम यहाँ पर बिगनर से स्टार्ट करेंगे और लेसन वन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फिंगर है, इसमें देखिए क्या होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेसन पर जाते हैं, ASDF क्या है, ASDF जो आपका लेफ्ट हैंड है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अपनी जो फिंगर है, जो सबसे ये वाली फिंगर है, इसको आपने A के ऊपर प्लेस करना है, इसको S के ऊपर, इसको D के ऊपर, इसको F के ऊपर, और ये वाली जो फिंगर आपकी, ये वाली राइट हैंड साइड की, इसको J के ऊपर, इसको K के ऊपर, इसको L के ऊपर, और ये आपकी लास्ट वाली कहाँ पर आएगी, यहाँ पर सेमी कोलन के ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो आपके थम्स होंगे वो आपके स्पेस बार के ऊपर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। बस ये आपका एक पैटर्न है, आपने इस पैटर्न से ही क्या करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है। और सामने जो लिखा हुआ है बिल्कुल आपने सामने देखना, कोशिश करनी कि आपको आपकी फिंगर्स का पता हो कि मेरी ये वाली फिंगर A के लिए, ये वाली फिंगर S के लिए, ये वाली फिंगर D के लिए, ये F के लिए, ये J के लिए, ये K और ये L और ये सेमी कोलन के लिए। और ऐसे ही आपकी डेली वो टाइपिंग करवाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आप टाइपिंग करता हूँ FF JJ।
जैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है, एंड देन उसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट थी, क्योंकि कुछ मेरी गलतियाँ भी हुई थी बीच में, और ये सारी की सारी एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड नहीं है, देखो स्पीड मायने नहीं रखती यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मायने रखती है कि आपने बिल्कुल आराम से करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने फास्ट फास्ट किया, तो मैंने मतलब कि काफ़ी टाइम से मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ इसलिए मेरी थोड़ी सी स्पीड है, बट जो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने इसमें आराम आराम से टाइपिंग करनी है। तो ऐसे आपने अगर आपका फिर से आपने क्या करना, ट्राई अगेन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर गो ऑन पे क्लिक करना, तो आपका फिर से वही चैप्टर शुरू हो जाएगा। ऐसे फिर आपने लेसन टू जी अभी आरएफएफ जेजे का था, फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा एस और एल के लिए, फिर ऐसे ही आपका नेक्स्ट लेसन आ जाएगा आपका जीएच के लिए, वैसे ही आपकी। और यहाँ पर आपको वो बताता रहेगा कि आपने जो फिंगर प्लेसमेंट है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके बाद शिफ्ट की के साथ आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, डिजिट के साथ आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या है जो आपका, वो आपका कैसे आपका करेगा। तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है, तो एटलीस्ट आपकी ये प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए टाइपिंग के लिए। अगर आपने एक प्रॉपर टाइपिंग करनी है तो आपके पास ये वाला टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में और इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी टाइपिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो ये एक अच्छी आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर आपने अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो, ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गूगल पर जाता हूँ तो यहाँ पर हम टाइपिंग मास्टर नाम का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, टाइपिंग मास्टर पर हम जाते हैं एंड देन यहाँ पर देखिए टाइपिंग मास्टर 11, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ से सीधा इसको डाउनलोड करोगे, जब आप डाउनलोड करोगे तो देखिए यहाँ पर वो नीचे ऐसे डाउनलोड होके यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका डाउनलोड होके आ गया, तो जब भी आपका देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो, चाहे वो आपका रैपिड टाइपिंग था चाहे वो आपका टाइपिंग मास्टर था, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इंस्टॉलेशंस कैसे करनी होती है। तो जो आपकी इंस्टॉलेशन की फाइल होती है ना वो .exe के नाम से होती है, .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपकी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शो द फोल्डर, तो वो जिस फोल्डर में है वो वहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा देगा। बेसिकली ये डाउनलोड के फोल्डर में होती है, ये हमारा टाइपिंग मास्टर है। इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड देन इसको ओपन कीजिए। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका अपने आप चल पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर रिकमेंडेड, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यस करोगे, इंग्लिश में लैंग्वेज आपने रखनी है, यस ओके करोगे एंड देन इसको आपने नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कहाँ पर आपने करना है वो आपने चेंजेस नहीं करनी, जैसे जैसे है वैसे वैसे करना है, यस नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। ऐसे आपका ये सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे हमने रैपिड टाइपिंग को किया था। मैं रैपिड टाइपिंग को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम ये टाइपिंग मास्टर जो स्टार्टिंग करते हैं इसको, तो जो टाइपिंग मास्टर है वो हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इलियन ठक्कर एंड देन लॉन्च, यहाँ पर हम स्टार्ट नाउ पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कीज़ है तो वो हमें बताएगा कि आपकी जो फिंगर प्लेसमेंट्स हैं, लाइकवाइज इस फिंगर को आप डी और ई यहाँ पर आप रखोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे, तो ये आपकी प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाएगा कि आपने वैसा ये ए एस डी एफ जे के एल और सेमी कॉलर वैसे ही आपने प्लेस करनी है फिंगर्स को, और नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये आपको बता रहा है कि आपने कौन सी फिंगर्स को यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास, जो आप टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो टाइपिंग है, टाइपिंग आपने कैसे इम्प्रूव करनी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपका नोटपैड शुरू कर देंगे, वो नोटपैड के बाद हम वर्डपैड शुरू करेंगे, फिर हम आपका वर्ड शुरू करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा हमारे इस जो नई सीरीज़ लेके आए हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।